वार्निंग, मैंने इस वीडियो में तुम्हें एनिमे की डिस्टर्बिंग साइड दिखाई है। अगर तुम डिस्टर्बिंग चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो तुम्हें इस वीडियो को स्किप कर देना चाहिए। एनिमे यांद्रे कैरेक्टर। सो ये आखिर यांद्रे का मतलब क्या होता है? वेल, अकॉर्डिंग टू गूगल, यांद्रे का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी से प्यार करता है और वो मेंटली इल है। एंड ऐसी पर्सनालिटी को तुमने फीमेल एनिमे कैरेक्टर्स में देखा होगा, जैसे पोस्टर चाइल्ड ऑफ यांद्रे योनो गसाई कोटोनो हा कत्सुरा, जो अपने लव वन की केयरिंग के साथ उनके लिए किसी भी हद तक का वॉयलेंस कर सकती है, यहाँ तक कि वो अपने लव वन को भी मार सकती है। वेल, अगर ऐसी ही बात है तो लेट मी शो यू रियल लाइफ यांद्रे गर्ल। एंड आई एम श्योर इंडिया में शायद ही तुम्हें किसी ने इस केस के बारे में बताया होगा, बट वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ बिकॉज इस लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड को नाइफ से स्टेप किया, क्योंकि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस थी, टिपिकल यांद्रे कैरेक्टर की तरह, जिन्हें देख कर वो ऐसी बन गई। एंड इस लड़की के लिए जापान के एनिमे फैंस ने एक कल्ट बना दिया और ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एंड अच्छे खासे लेवल पर फंडिंग भी होने लगी ताकि वो इस लड़की को बचाने के लिए एक अच्छा लॉयर हायर कर सके, जिसे बाद में पुलिस ने इंटरफेयर करके रोक दिया। यानी कि अब तुम समझ सकते हो, ये लड़की एक सीरियस क्राइम करके सुपरस्टार बन गई और लोग कहने लगे कि ये सबसे क्यूट किलर है जिसे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ तक इसके अराउंड एक गेम यांद्रे सिमुलेशन में इस लड़की की कैरेक्टर स्किल चाहते थे। Completely covered in blood and she was eerily calm. It was quite obvious that she was the one that had done this to him, and she didn't feel bad about it. If anything, she looked proud. Today we're looking at the case of Yuka Takeoke and her victim Phoenix Luna. She's considered to be a real-life yandere in Japan. So, आखिर ये लड़की कौन थी एंड कैसे ये फिक्शनल कैरेक्टर से इंस्पायर हुई और अपने ही बॉयफ्रेंड को नाइफ से स्टैब कर दिया? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब पुलिस उस लड़की को अरेस्ट करने आई थी क्राइम सीन पर, तो पुलिस भी वहाँ शॉक रह गई। एंड जो क्राइम सीन उस दिन पुलिस ने देखा उसकी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। एंड यस, मैं वो पिक्चर्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ। नाउ मैं हूँ एनी एंड ये है 4-part सीरीज का एपिसोड 2। ये फोटो देख रहे हो, इसका नाम है युका ताकाओका और यू कैन से रियल लाइफ यांद्रे। बोर्न इन 28 जनवरी 1998, युका अपने पेरेंट्स की एक लौती संतान थी, जिस वजह से उसके माता पिता उसे किसी भी चीज को करने से नहीं रोकते थे। इसलिए वो अपनी मन की करा करती थी, जैसे एनएमएस देखना एंड अपनी मन पसंद कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करना एंड उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, जो एक एनएमए फैन के लिए नॉर्मल सी बात है। बट जिन कैरेक्टर्स का युका कॉस्प्ले करती थी वो ज्यादातर यांद्रे कैरेक्टर्स थी। एंड यही युका इनसे इंस्पायर हुई। एंड हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद युका कॉलेज ज्वाइन करती है, जिसे वो बीच में ही ड्रॉप कर देती है बिकॉज उसे होस्टेस क्लब का मैनेजर बनना था। वेल, अगर तुम्हें नहीं पता होस्टेस क्लब क्या होता है, सो ये बस एक बार की तरह है जहाँ तुम जाकर अपनी मनपसंद लड़की के हाथों से ड्रिंक्स कर सकते हो और उस लड़की के साथ फ्लर्ट भी। एंड अब जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ यहाँ करना बैन है, एटलीस्ट ऑन पेपर। एंड होस्टेस क्लब में सिर्फ लड़कियां ही काम कर सकती है बिकॉज वहाँ मेल कस्टमर्स आते हैं। वहीं इसके अपोजिट होस्ट क्लब है जहाँ सिर्फ लड़के काम करते हैं क्योंकि वहाँ फीमेल कस्टमर्स आती हैं। एंड अब मैं तुम्हें होस्ट क्लब के बारे में क्यों बता रहा हूँ बिकॉज ये वर्ड तुम्हें आगे सुनने को मिलने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी, युका कॉलेज ड्रॉप करने के बाद टोक्यो के सिंजुकु सिटी में एक होस्टेस क्लब की मैनेजर बन जाती है। एंड वो इस वक्त तक अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रही थी, जो तुम इन वीडियोस में देख ही सकते हो। साल 2018 अक्टूबर मंथ में युका फर्स्ट टाइम फिनिक्स लूना से मिलती है, जो एक होस्ट क्लब में काम करता था। यस, बॉयज वाले क्लब में। एंड वहाँ फिनिक्स काफी फेमस भी था फीमेल कस्टमर्स में, ज्यादातर लड़कियां उसे ही बुक करती थी। एंड यही चीज युका के लिए प्रॉब्लम बनी जब वो फिनिक्स के साथ रिलेशनशिप में आई। युका को यहाँ डर था कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई दूसरी लड़की छीन ना ले, एंड इसी वजह से वो फिनिक्स को मंथली बेसिस पर बुक करने लगी। एंड इसके लिए युका ने पे किया $9,000। अगर मैं तुम्हें INR में बताऊँ तो 7.5 लाख से ज्यादा, जो सच में कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बस इसलिए कि कोई दूसरी लड़की उसके आसपास ना भटके। आई नो रिलेशनशिप में ऐसी चीजें बनती है, लेकिन इस लेवल तक चीजें करना
ये कोई मेंटल इली कर सकता है। फिर दिन आता है 23 मई 2019। युका दिन में फिनिक्स को कॉल करके कहती है उसे अपने अपार्टमेंट की सफाई में उसकी मदद चाहिए और इसके लिए फिनिक्स हाँ भी कर देता है एंड वो कहता है कि वो सीधा क्लब से वहीं आएगा। बट फिनिक्स क्लब के छूटने के टाइम से 3 घंटे देरी से आया और आते ही वो सीधा युका से कहता है क्या वो उसके लिए बाथटब रेडी कर सकती है एंड फिर वो नहाने चला जाता है और कुछ देर बाथटब में ही सो जाता है। जितने में युका फिनिक्स के स्मार्टफोन को चेक करती है एंड वो किसी लड़की के साथ फिनिक्स के फोटोज देखती है। अब पता नहीं कि वो लड़की फिनिक्स की क्या लगती है बट एज ए ह्यूमन बीइंग युका को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था युका मंथली बेसिस पर फिनिक्स को बुक कर रही थी तो वो और किसी फीमेल कस्टमर से नहीं मिल सकता है एंड ना ही ये कोई फिनिक्स की दोस्त थी जिसे युका जानती हो एंड इसी गुस्से में वो सीधा जाकर बेडरूम में सो जाती है। और जब फिनिक्स बाथरूम से बाहर आता है तो वो युका को सोता हुआ देख उसे बिना डिस्टर्ब किए उसके पास में जाकर सो जाता है। और जब सुबह की 3:50 पर फिनिक्स के पेट में दर्द होने लगता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि एक नाइफ उसके पेट में घुसा हुआ है और उसके ऊपर युका बैठी हुई थी एंड ये सब देखकर फिनिक्स युका को धक्का देकर वहां से भाग जाता है एंड वो सीधा लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाता है। बट उससे पहले ही फिनिक्स का लिफ्ट में कहीं सारा ब्लड लॉस हो जाता है जिस वजह से वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है एंड बीच रस्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है एंड जहां फिनिक्स गिरा था वहीं पास में आकर युका बैठ जाती है अपना नाइफ लेकर एंड फिनिक्स के मरने का वेट कर रही थी जहां चारों तरफ फिनिक्स का ब्लड फैल गया था एंड युका के हाथ पैर भी उसके खून से सने थे एंड ये चीज देखकर कोई भी फिनिक्स की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा बिकॉज उन लोगों को डर था कि ये लड़की उन पर भी अटैक कर देगी तो वो सीधा पुलिस को ही कॉल लगाते हैं एंड पुलिस आकर ये देखती है जहां युका को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस के आने से वो आराम से फिनिक्स के पास बैठकर फोन पर बात करते हुए सिगरेट पी रही थी और बस वो फिनिक्स की मौत का इंतजार कर रही थी। सो अब तुमने देख ही लिया ये क्यूट सी दिखने वाली लड़की कितनी डेंजरस थी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पुलिस आ चुकी है एंड ना ही एक बार भी उसके दिमाग में आया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी बचा सकती है। एंड तुम्हें पता है जब वो पुलिस कस्टडी में थी तब भी वो मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो ये क्राइम करके काफी प्राउड फील कर रही है। एंड ये छोड़ो मुझे यकीन नहीं होता है जिस इंसान से ये प्यार करती थी उसे ही ये नाइफ से मार रही थी। आखिर कैसे एक इंसान ऐसा कर सकता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद युका ताकाओका पूरे जापान के एनिमे फैंस में फेमस हो गई थी। यहाँ तक जापान में कुछ लड़कियां इसके क्राइम को जस्टिफाई कर रही थी कि युका ने कुछ भी गलत नहीं किया है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। युका को जरूरत है सिर्फ रिहाइब्रिनेशन की एंड कुछ लोग साथ ही इसे सबसे क्यूट किलर कह रहे थे जिसे वो बचाने के लिए फंड्स भी इकट्ठा कर रहे थे और पूरे जापानी सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था युका के कॉस्प्ले फोटोज के साथ। और युका के फैन इस टाइम तक GoFundMe में $3,800 इकट्ठा कर लेते हैं जो इनफ थे युका को जेल से बाहर लाने के लिए। बट बीच में ही पुलिस इन्हें अपने ले लेती है एंड मुझे नहीं लगता है तुम्हें और ज्यादा समझाने की जरूरत है कि इस टाइम तक युका किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। उन लोगों में जो एनिमे को पसंद करते थे एंड खासकर यांद्रे कैरेक्टर्स को पसंद करने वाली लड़कियों में जो युका के इस क्राइम को क्राइम नहीं मानती थी। वहीं बात करें फिनिक्स की उसे एक सीवियर इंजरी हुई थी क्योंकि वो नाइफ सीधा उसके लिवर में घुस गया था एंड डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ 20% चांस है फिनिक्स के बचने के एंड ऑपरेशन के बाद 5 दिन तक फिनिक्स अनकॉन्शियस रहा एंड आफ्टर रिकवरिंग फिनिक्स को बार बार एंजाइटी टैक्स आने लगे एंड इस इंसिडेंट का सीधा असर फिनिक्स के काम पर भी पड़ा बिकॉज उसके जॉब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था अल्कोहल ड्रिंक करना जो करने में उसे काफी डिफिकल्टी आ रही थी बिकॉज वो नाइफ उसके लिवर में स्टेब हुआ था। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये सब चीजें मैटर नहीं करती है फिनिक्स बच गया यही बड़ी बात है। एंड फिर दिन आता है 5 दिसंबर 2019 जब जापानीज कोर्ट युका को 3.5 साल की प्रिजन सेंटेंस सुनाती है एंड $40,000 फिनिक्स को देने के लिए कहती है। वेल पहले पहले युका को 20 साल की सजा होने वाली थी बट फिनिक्स के खुद रिक्वेस्ट करने पर युका को इतनी कम सजा दी गई बिकॉज फिनिक्स को लगता था इस इंसिडेंट के बाद उसकी लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। वो अपनी जॉब से अब अच्छा खासा कमा भी रहा है एंड इसकी वजह है उससे पहले से ज्यादा लोग जानने लगे हैं एंड अब वो चाहता है युका भी एक नॉर्मल लाइफ जिए एंड अब युका के जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है जहां वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है एंड इंस्टा पर अपने कॉस्प्ले पिक्चर्स पोस्ट कर रही है। एंड यहां मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो फिनिक्स के पास इतनी रिलैक्स होकर कैसे बैठी थी तो उसने बताया कि वो फिनिक्स के मरने का इंतजार कर रही थी एंड जैसे ही फिनिक्स मरता तो वो खुद को भी मार देती एंड वो आफ्टर लाइफ बिना किसी दिक्कत के साथ फिनिक्स के पास रहना चाहती थी। एंड यहाँ क्लियर समझ आ रहा है ऐसी मेंटेलिटी युका को उन यांद्रे कैरेक्टर से मिली थी जिन्हें वो फॉलो एंड कॉस्प्ले करती थी। एंड यू नो व्हाट यहाँ मैं युका की साइड नहीं ले रहा हूँ बट फिनिक्स को युका को चीट नहीं करना चाहिए था एंड इसका ये भी मतलब नहीं है कि युका उसे सीधा मार डाले। वो चाहती तो फिनिक्स से ब्रेकअप कर लेती एंड जितने
पैसे उसने फिनिक्स पर उड़ाए वो भी मांग सकती थी। एंड पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ ये कोई नई बात नहीं है, हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है जहाँ अनमेच्योर लड़का लड़की ऐसा कर बैठते हैं और फालतू में दो लोगों की गलती के बीच में ये एनएमए को ले आते हैं।